मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी विक्रम। नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरी बात को समझो, ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस बात का असर तुम्हारे दिल पर भी पड़ रहा है। तुम्हारा बीपी भी बहुत हाई है। अगर इस तरह चलता रहा पता तो बहुत जल्दी दवाइयां लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा, पर मैं अपनी ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। सिर्फ दवाइयां लेने से चीजें ठीक नहीं होंगी। प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारी इस नौकरी में है। जब भी तनाव बढ़ेगा तुम्हें बार बार वो हादसा याद आएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से पैनिक अटैक्स आने से तुम्हारे दिल पर बुरा असर पड़ सकता है, और हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। ये बात अपने तक ही रखना रूपा। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। पहले ये शोर बंद करवाओ। ये मशीन बंद करो। हमें खबर मिली है कि लाश यहीं कहीं दफनाई गई है। 6 घंटे से ढूंढ रहे हैं पर कुछ हाथ नहीं लगा सर, और ये जगह भी काफी बड़ी है सर। विश्वास सर ने कहा है कि इस केस में आपकी मदद लूं, इसीलिए आपको बुलाया है। इधर इधर देखो। जी सर, देखता हूं। अरे वहां क्या है, देखो जरा। सर इस तरफ कुछ नहीं है, आप उस तरफ और खोदो थोड़ा, वहां जाके देखो। हां सर, देखता हूं। अरे वहां कौन गया? उधर है, सांप है ना। नानी सल्यूट करो। सर ये फूल पत्तियां क्यों तोड़ रहे हैं? देखते हैं।
सभी कांस्टेबल्स को यहाँ बुलाओ। सर। ये जंगली झाड़ियाँ हैं, इन्हें वीट कहते हैं। ये तीन झाड़ियाँ एक साथ जहाँ दिखे वहाँ निशान लगाओ और मुझे बताओ। जी सर। रोहित शुरू हो जाओ, दो टीम्स बनाओ और अलग अलग दिशा में जाओ। ओके सर, तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ देखो। नाम क्या है तेरा? सिद्धू भैया। स्कूल जाता है? सच बता वरना थाने ले जाऊंगा। जा अपने मालिक को लेकर आ यहां। यहां खुदाई करो। फॉरेंसिक से कौन आया है? मैं हूं सर। ए धीरे धीरे से करो। तुम ठीक तो? जल्दी करो, संभाल के रखना बॉडी को। आओ चले। बॉडी का ठिकाना कैसे पता चला? उस जंगल में सिर्फ तीन किस्म की झाड़ियां उगती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो वो तीनों झाड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में ही उगती हैं। उनकी जड़ों में जहरीले केमिकल्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से आसपास कोई दूसरी झाड़ियां नहीं उग पाती। जब जमीन की खुदाई होती है तो केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और तब वो जहरीले नहीं रहते। सिर्फ तभी ये तीनों झाड़ियां एक जगह उग सकती हैं। तो जहां लाश के लिए गड्ढा खोदा होगा वहीं ये झाड़ियां एक साथ उगी होंगी। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जहां ये तीनों एक साथ उगी हों वहां खोदो। ढूंढना आसान था, बस उन लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत थी। मुझे जल्द से जल्द इन सबकी रिपोर्ट चाहिए। तू यहां क्या कर रहा है? हमें विश्वास सर ने भेजा। मुझे तो इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सर सर इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख लूं। ओके सर। जैसी दाढ़ी रखी है, किस एंगल से पुलिस डिपार्टमेंट का लगता है ये आदमी? आजकल यही फैशन है सर, आप भी ऐसा ही लुक रखिए, शायद आपका कोई केस सॉल्व हो जाए। सॉरी सर। तो क्या हुआ था यहाँ? ज्यादा हीरो मत बन, इधर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। लेकिन तुम्हें मेरे केस में टांगड़ आने क्यों भेजा है? सब देख लिया ना?
और तुम्हें ये कैसे पता चला ये सुसाइड है? ये देख लो, वीडियो सुसाइड नोट है। एक जमाने में लोग चिट्ठी लिख के सुसाइड करते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वीडियो बनाया। अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, आई एम सॉरी। क्या मैं समझ में नहीं आता, तुम पुलिस में कैसे भर्ती हो गए अभिलाष? अगर ये रूम में अकेला था तो शूट करने के बाद ऑफ किसने किया वीडियो? इसका भूत तो नहीं होगा ना कि मरने के बाद आकर वीडियो ऑफ करके गया? और फोन इतना भी स्मार्ट नहीं कि गोली के चलते ही अपने आप बंद हो जाए, और तुम बिना ग्लव्स पहने फोन को टच कर रहे हो। इस रूम से तुम्हें अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? पता है ये क्या है? इसे इंक वार्निश कहते हैं। इसे इंक बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, पेंटर्स और कारपेंटर्स यूज करते हैं। और इस कमरे में ना कोई टूटी खिड़की है और ना ही टूटा दरवाजा, मतलब जो भी था दरवाजा खोल कर आया था वो इसे जानता है। बस एक गलती कर गया, खिड़की से कूद कर बाहर भागा। पाइप पर जूते के निशान है, खिड़की से कूदते वक्त उसके जूते में ये पीस चिपका था जो अंदर गिर गया। इसके परिवार और दोस्तों में से पूछो कि कोई पेंटर, कारपेंटर या इंक बनाने वाली कंपनी में काम करने वाला है या नहीं, और वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। इसे मरने पर मजबूर किया गया है। और सुनो अभिलाष, क्राइम सॉल्व करने के लिए शेव करने की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत पड़ती है, समझा? अगली बार दिमाग लगा के काम करना। श्रीनिवास का कोई कॉल आया? नहीं सर, लास्ट वीक बात हुई थी। कोई प्रॉब्लम आए तो इन्फॉर्म करना, मैं तो हाय। आज तुम जल्दी आ गए, पर अभी मेरा काम बाकी है। मैं इंतजार करता हूँ, तुम खत्म कर लो। आई शो। हाँ। हाय रोहित। हाय नेहा। कॉफी पीना चाहोगे? नहीं रहने दो। नहीं ऐसे ही ठीक है, तुम जाओ अपना काम खत्म कर लो, हम लोग वेट करते हैं। ओके, मैं आती हूँ। हाय डॉक्टर, रिपोर्ट आ गई क्या? 2 घंटे लगेंगे क्योंकि उस पर अभी टेस्ट चालू है मैम। नॉर्मली DNA चेक करने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। रमाकांत जी, आपकी बैलिस्टिक रिपोर्ट रेडी हुई क्या? उसी पे काम कर रहा हूँ मैडम। जैसे रिपोर्ट रेडी होती है मुझे और वेंकटेश को मेल कर दीजिएगा, ठीक है? तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? उनकी हालत नाजुक है, डॉक्टर्स का कहना है मुंबई ले जाना चाहिए। बड़े भाई मुंबई में रहते हैं तो शायद 1 हफ्ते में ले जाएंगे उन्हें। मेरी मदद चाहिए तो हिचकिचाना मत, मम्मी पहले काम बाद में। बेशक। ये पिक्चर इतनी ब्लर दिख रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा इसे और क्लियर करने की कोशिश करो। तुम कर सकते हो संध्या। सपना कैसी है? अच्छी है। तुम कभी घर आओ ना, उससे भी मिल लेना। देखता हूँ अगले हफ्ते टाइम। विक्रम। हाय शिंदे। हाय। क्या हुआ, आज भी नेहा का इंतजार हो रहा है? मैंने तुम्हें मेल कर दिया है, प्लीज चेक कर लो। सॉरी ज्यादा वक्त लग गया। शिंदे तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं कबाब में हड्डी बनके क्या करूंगा, तुम लोग चलो। बाय बाय शिंदे। ठीक है विक्रम, मैं भी निकलता हूँ, सपना इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, बाय नेहा। बाय। चले। थैंक्स। तो बताओ दिन कैसा रहा? हाँ ठीक ही था। रूपा का मुझे फोन आया था। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती क्या? जो बात कर रही हूँ उसका जवाब दो। प्रॉब्लम क्या है आखिर, इस तरह की घटिया जॉब तुम्हें करनी ही क्यों है जिसका असर तुम्हारी हेल्थ पर हो रहा है? बस करो नेहा। सर मेरे बारे में भी सोचकर देखो, तुम्हारा BP अक्सर हाई रहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नेहा प्लीज, जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता नेहा, ये सब मेरे अतीत की वजह से हो रहा है। आखिर ऐसे कौन से राज छुपे हैं तुम्हारे? जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, पर मेरा यकीन करो, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो पागल हो जाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं। तुम आखिर हो कौन, ऐसा क्या है तुम्हारे अतीत में? सब कुछ बताऊंगा नेहा, सही वक्त आने पर। मेरे लिए इतना तो करोगे कि तुम छुट्टी लेकर घर चले जाओ और जो रूपा ने तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया उसे पूरा करके वापस आओ, ये तो कर सकते हो ना तुम विकी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं नहीं जा सकता, रूपा भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है, और वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वही कहेगी जो तुम चाहोगी। मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझे छोड़ दो, हमेशा के लिए जॉब छोड़ने को तो नहीं कह रही? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैं ही तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ।
शहर में अपराध कम हो रहे हैं थैंक्स टू हैदराबाद पुलिस जिनकी वजह से आज हमारा शहर सुरक्षित है। सिर्फ मर्डर्स ही नहीं बल्कि चोरी और किडनैपिंग केसेस भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आरजे शिल्पी जनता की तरफ से हैदराबाद पुलिस को थैंक्स कहती हूं। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गुड मॉर्निंग सर। ए विष्णु मोबाइल छोड़ो काम करो। सारे मर्डर केसेस तुम देखते हो और 6 महीने की छुट्टी चाहिए? जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगता सर। और छुट्टी की वजह क्या है? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है सर। यही वजह है ना? अगर किसी केस में तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें आना पड़ेगा, छुट्टी ले सकते हो। अब तुम जाओ। थैंक यू सर। सर मैं बस अभी 1 मिनट में आया, सॉरी। बिना नाश्ता किए चली गई? हाँ थोड़े टाइम में आ जाएगी। Hey Siri. क्या हो गया? कार बंद पड़ गई है सर। कहाँ रहती हो? बस यही एकता नगर के पास। बैठो गाड़ी में छोड़ देते। नहीं पुलिस जीप में बैठूंगी तो थोड़ा। किसी को फोन करके बुलाया? फोन घर पर भूल गई, वहीं लेने वापस जा रही थी तब गाड़ी बंद पड़ गई। नंबर बोलो। पापा ये कोई पुलिस अंकल का नंबर है। आउटर रिंग रोड पर गाड़ी बंद पड़ गई, फोन भी घर पर भूल गई हूँ। क्या आप मुझे पिकअप करने आ सकते हैं? वो मैं गोलकोंडा और रविरियाल टोलनाका के बीच में हूँ। आप जल्दी आइए, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। मैं चलूँ फिर? मैनेज कर लोगी? हाँ कर लूंगी। ठीक है।
क्या किया इसने? चोरी करके भाग रहा था। छोड़ो। ए, सीआई ने क्या फाइल मांगी थी और तू क्या लेके आया? सही फाइल लेके आता। ए, जितनी जल्दी मानेगा उतनी जल्दी घर जाएगा। नरसिम्हा सर, ध्यान कहाँ है तेरा? गलत फाइल दे दी मेरे को। सॉरी सर। एक बार सही दिए ना? जी। कुछ देर पहले मेरी बेटी ने यहीं से फोन किया था सर। हाँ, मेरे ही फोन से किया था, क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पर है वो सर? अभी थोड़ी देर पहले सामने से गुजर रहा था तो एक ब्लू रंग की गाड़ी देखी मैंने। आप उस गाड़ी में नहीं थे? नहीं सर। हाँ लक्ष्मी। हाँ, कहिए ना। प्रीति घर पहुँच गई क्या? नहीं तो, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं बस अभी आया सर। मेरी बेटी घर नहीं पहुँची। आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक घर आ जाएगी। दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। अगर ना आए तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मेरा थाना यही है, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ऐसा ही इब्राहिम पूछेगा। ठीक है सर। सर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। तो आपने कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सारी आपकी गलती है, आपने उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं की। आखिरी बार वो आपसे ही मिली थी, सुनसान सड़क पर उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? जरा आवाज नीचे। मैंने तुम्हारी बेटी को बोला था जीप में घर छोड़ देता हूँ, उसने मना किया, ऐसे तुमको फोन करा है। मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। वहाँ कांस्टेबल बैठा है, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दो, हम ढूंढ देंगे। तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूँ जो ऊंची आवाज में बोलोगे और मैं डर जाऊंगा। जाओ सर। अरे जाओ ना मैडम, जाओ। ए नरसिम्हा। जी सर। कंप्लेंट लिख। अभी कार वहीं खड़ी है क्या आप घर पे लेके गए थे? वो पूरी रात हम प्रीति को ढूंढ रहे थे, इसलिए कार लेने नहीं जा पाए। तुम्हारा नाम क्या है? वनीता सर। वनीता, ये बताओ सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हुए हैं यहाँ पर? दो कैमरे लगे हैं सर, एक रोड पर है और एक टोल नाके पर है। मुझे कल शाम 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है सर। दोनों कैमरों की निकालना। ठीक है। कल शाम 6 बजे के करीब ब्लू कलर की कार में एक 20 साल की लड़की को कहीं जाते देखा था क्या? नहीं सर। सर, जो टाइम आपने बताया उस समय पर वहां से कोई ब्लू कार नहीं गुजरी है सर। दोनों कैमरे की फुटेज में नहीं देखा? नहीं सर। कुछ तो गड़बड़ लग रही है नरसिम्हा, क्योंकि मैंने उस लड़की को नीली कार वाले से बात करते देखा था। अगर वो गाड़ी इसी रोड से गई है तो अचानक गायब कहाँ होगी? एक काम करो सर, गोलकुंडा टोल नाके पे जाओ और वहाँ के चारों टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाओ। वो ब्लू कार उसी में से मिल जाएगी। जाओ। ठीक है सर। तुमने इनके साथ बदतमीजी की? ऐसा नहीं सर, वो लोग चुप हो जाओ। गलती करके अकड़ दिखा रहे हो। कैसी गलती सर? पहले शर्ट का बटन बंद करो। पुलिस वाले होकर छिछोरों की तरह कपड़े पहन रहे हो। तुम्हारी गन कहाँ है? डेस्क पर है सर। गन लाओ। जी सर। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कल तुमने ही आखिरी बार उस लड़की से बात की थी, अगर तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आ जाना। कॉपरेट नहीं किया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, समझ गए? सर। और सुनो, अगर तुम्हें शहर से बाहर जाना हो तो नरसिम्हा को बताए बिना मत जाना।
फिक्र मत करो मोहन, डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर इस केस को देखेगा। हम प्रीति को ढूंढ लेंगे। हेलो हेलो विक्रम, मैं शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ शिंदे बोलो। विक्रम, नेहा गायब है। वो कहीं मिल नहीं रही। नेहा? दो दिन से उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। पर वो अचानक कहाँ चली गई? आओ। तुम्हारे साथ ये मौसम और भी अच्छा लगता है। यही चाहूंगा कि ये पल कभी खत्म ना हो। सर बैठो। विक्रम सर, अचानक से नेहा कैसे गायब हो गई? घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, केस मुझे हैंडओवर कीजिए, डिटेल्स बताइए, मैं खुद ढूंढूंगा। ये केस पहले से कोई और हैंडल कर रहा है। कौन सर? सर ये केस मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। वो नहीं होगा। और पता क्यों? तुम्हारे पार्टनर रोहित से बात हुई थी मेरी, छुट्टी पे जाने से पहले नेहा से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, फिर तुम अचानक 6 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए और उसके कुछ दिन बाद नेहा गायब हो गई। मैंने नेहा की माँ से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि तुम पर नजर रखनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद पहला शक तुम पर ही जाता है विक्रम। एक बार सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएं, फिर स्टेशन आना पूछताछ के लिए। हीरो बन के मेरे केस में टांग अड़ाई ना तो देख लेना, कसम से बोल रहा हूँ मैं। सॉरी सर। सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते। तो अगर तुम नेहा को ढूंढने की कोशिश करते तो तुम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते, इसीलिए तुम्हें केस नहीं दिया। सर आप समझ नहीं रहे हैं। अविनाश की नजरों में तुम ही पहले सस्पेक्ट हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस केस से दूर रहो। तुम गलत नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही हो ये देखना मेरी ड्यूटी है। सर वो पूरा सनकी है, मेरे पीछे लगा रहेगा और नेहा को ढूंढने में उतनी देर लगेगी। आई नो हिम। शांत हो जाओ विक्रम, मैं अभिलाष को कुछ गलत करने नहीं दूंगा। मैं नहीं बैठ सकता सर। सर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूं, चाहे आपको ठीक लगे या नहीं। हेलो रोहित, कहां हो तुम? ये सब क्या हो रहा है यार? उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने ऑफिस में फोन किया था। शिंदे ने उठा के बोला कि वो वहां नहीं है। एक रात पहले उससे बात हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। तुमने जब आखिरी बार बात की थी तब कुछ अजीब लगा? नहीं, 2 दिन पहले जब बात हुई तो सब कुछ नॉर्मल ही था। उन्हीं 2 दिन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई होगी। मुझे नेहा के घर जाना होगा रोहित। सोच लो, अगर अभिलाष को पता चला तो तमाशा खड़ा कर देगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसे जो करना है वो करे, नेहा को ढूंढना ही है। उस केस का क्या हुआ? सर चल रहा है अभी। अभिलाष का केस देख रहा हूं ना, कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? चल रही है सर। तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो, छोड़ दो उसे। अभिलाष को बता दूंगा मैं आया था। अरे जरा चाबी दे, ये लो। अंदर सब ठीक है ना? ठीक है सर, यहाँ पे तो कोई नहीं है सर। रोहित चलो। परसों रात के वक्त ही कुछ हुआ है,
नेहा रोज की तरह शाम को घर आई। कार भी वैसे ही पार्क की जैसे करती थी और कोई जबरदस्ती घर में घुसा भी नहीं था। और रात को अचानक वो गायब हो गई। पर उसके घर में कोई आया जरूर था रोहित, क्योंकि लिविंग रूम से मुझे किसी चीज की बहुत महक आ रही थी। घर में इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स कांस्टेबल्स घुसे थे, उनकी हो सकती है। एक काम करो रोहित, नेहा के फोन नंबर के सारे कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। विक्रम, नेहा की मॉम। हम उसे ढूंढ लाएंगे, परेशान मत होइए, ओके? आंटी एक मिनट, मैं जानता हूं मुझे पसंद नहीं करती, पर नेहा को बहुत जल्द ढूंढ कर वापस लाऊंगा। विक्रम चलो अंदर चल के बात करते हैं। आओ अंदर आओ। हाँ बोलो। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन? पिछले 3 महीनों से नेहा के सारे केस के डिटेल्स मुझे चाहिए। नेहा इन केसेस पर काम कर रही थी, ये सब टॉप सीक्रेट हैं। रोहित जरा ये चेक करो। क्या है देखो? 2 महीने पहले 18 साल की एक लड़की प्रीति सड़क से गायब हो गई थी। नेहा ये केस हैंडल कर रही थी। ये हाईवे से कैसे गायब हुई इसका कोई सुराग नहीं मिला, और नेहा भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हुई है। 2 लड़कियां 1 शहर, किडनैपिंग का भी कोई ट्रेस नहीं। कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है। वैसे ये केस इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? ये पूरा केस श्रीनिवास देख रहा है। क्यों, क्या हुआ? श्रीनिवास, तुम्हारी नेहा से आखिरी बार कब बात हुई? शायद 3 दिन पहले। और क्या बात हुई थी? वो प्रीति के लापता होने का केस हैंडल कर रही थी। उसने कहा उसे केस से जुड़ा कोई सुराग मिला है जिससे प्रीति का पता चल सकता है। वो मुझे अगली सुबह बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गई। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? श्रीनिवास, जहाँ से प्रीति गायब हुई थी वहाँ से तुम्हें कोई सुराग मिला? हाँ, एक मिनट। उस गाड़ी में सीट के पास मुझे ये रुई का टुकड़ा मिला, और गाड़ी के पास ही मुझे रोड पर सुई भी मिली थी जो मैंने फॉरेंसिक्स वालों को भेज दी है। और इस रुई पर कोई प्रीति के ब्लड या डीएनए का निशान नहीं मिला है। हो सकता है इसका इस केस से कोई लेना देना ना हो। क्राइम सीन बिल्कुल साफ सुथरा था। सबूत के नाम पर हमारे पास बस यही है। गाड़ी में पैसे भी थे लेकिन वो वैसे के वैसे ही, उस पर कोई निशान नहीं मिले। सर, सर आप प्लीज प्रीति का मिसिंग केस मुझे सौंप दीजिए सर। क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्लीज सर। वो मेरे दोस्त की बेटी है, तुम अगर इस केस को देखोगे तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे। पर ये केस पहले से ही श्रीनिवास देख रहा है। उससे मैं बात कर लूंगा सर। हाँ ले लो विक्रम, विश्वास के दोस्त की बेटी है और वो 24 घंटे मेरे पीछे लगा रहता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले लो। थैंक यू सर। पर तुम्हें ये केस क्यों चाहिए? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा सर, अभी फिलहाल मुझे अपना काम करने दीजिए। विक्रम सर, मीडिया भी इसके पीछे पड़ी है, संभल के काम करना। जी बिल्कुल। मुझे मेरी सेंसेस धोखा नहीं दे सकती रोहित। जिस किडनैपर ने प्रीति को किडनैप किया था वो नेहा के घर भी गया था, पर कौन है वो कमबख्त? ओके, अब करना क्या? प्रीति के केस की सारी फाइल्स, हाईवे की सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक में भेजे हुए सभी सुराग, मुझे हर चीज मेरे टेबल पे चाहिए। केस स्टडी करके सब इन्वेस्टिगेट करेंगे। शिंदे को कॉल करके पूछो कि नेहा ने उसे कॉल करके प्रीति केस की कोई अपडेट दी थी क्या। हाँ एक बात और, प्रीति के परिवार वालों और दोस्तों के डीएनए सैंपल्स लेने के लिए कोर्ट से परमिशन ले लो। जल्दी करो रोहित, मुझे नेहा और विक्रम के कॉल्स और मैसेजेस के डिटेल्स चाहिए। उसे आखिरी बार कब मिला था? देखो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बहुत ही उलझे हुए केस पर काम कर रही हूँ। तुम अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेना, चिंता मत करो, शिंदे हैं मेरे साथ। विक्रम पे कड़ी नजर रखना, नेहा को इसी ने गायब करवाया है। जा कार में बैठो कृष्णा। ठीक है सर। भाई साहब, इब्राहिम से कुछ अकेले में बात करनी है। एक मिनट, तुम लोग कौन? ये विक्रम है, प्रीति का केस यही हैंडल कर रहा है। ओ, बैठो। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। इब्राहिम, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, अपने घर ले चलो। ठीक है सर, चलते हैं। पहले चाय तो पी लो। चलो। सर मैकेनिक के पास रुकेंगे, मेरा स्कूटर रिपेयर करने दिया है, मैं अपना स्कूटर वहां से ले लेता हूँ सर। रोहित, ए फात, हो गया क्या? हाँ हो गया सर। सही चलेगा ना? हाँ मस्के जैसा। रोहित तुम उसके साथ आओ। चलो
देखो इब्राहिम, मैं जानता हूं तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कुछ बताना भूल गए हो तो बता सकते हो, सब कुछ ठीक ठीक बताना। जो हुआ था वही बताया। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। वो इब्राहिम, तुम मेरे शक के दायरे में नहीं हो, पर जब भी जरूरत पड़ेगी साथ देना। दोगे ना? जी सर। चलता हूं। ओके। रोहित जरा गाड़ी रोकना। तुम्हें वहां पर कुछ गड़बड़ लगी? गड़बड़ नहीं लगी, पर इसके अलावा किसी ने वो नीली कार नहीं देखी। श्रीनिवास ने हाईवे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, यहां तक कि आते जाते लोगों को पूछा, टोल वाले स्टाफ को भी, पर किसी ने वो गाड़ी नहीं देखी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं था। और कृष्णा। हाँ सर। इस पर इब्राहिम के फिंगरप्रिंट्स हैं, कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। अभी उसने सिगरेट बट फेंका है, वो भी उठा लो, डीएनए मैच करके देख लो। प्रीति को कौन कौन जानता है? प्रीति को जानते हो? नहीं सर, कुछ कहा था उसने? नहीं सर, मैं नहीं जानती। कहाँ? कैंटीन में। हाँ सर, वहाँ पे। तो अजय, तुम प्रीति को कब से जानते हो? प्रीति और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर कॉलेज से, और हम साथ ही कॉलेज आते हैं। उससे आखिरी बार कब मिले थे? उसके लापता होने से एक दिन पहले। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एक पब गए थे, एक फ्रेंड का बर्थडे था। सर, मेरा नाम संध्या है, मैं प्रीति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। प्रीति से आखिरी बार कब मिली थी तुम? प्रीति के गायब होने के एक रात पहले मैं, प्रीति और अजय पब में गए थे सर। उसने मुझसे दूसरे दिन बात भी की थी। क्या तुम्हें उसकी बातों में कुछ अजीब लगा? नहीं सर। क्या बात हुई थी? सर ऐसे कुछ खास बात तो नहीं, बस नॉर्मल बातें हुई थी। वो ड्रिंक करती है? नहीं सर। किडनैपिंग वाले दिन तुम कहाँ थे? सर मैं अपने घर गया था, आरटुला में, बीएन रेडी रोड से 40 किलोमीटर दूर। अजय प्रीति का बॉयफ्रेंड है क्या? वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पास कार है या बाइक? बाइक सर। क्या तुम्हारे दोस्त या उनके पेरेंट्स में से किसी के पास भी नीले रंग की सेडान कार है? नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। कोई है जैसे प्रीति से प्रॉब्लम हो? कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती थी, पर क्या, चंद्रकांत सर और प्रीति के बीच हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ने आती है और इतने घटिया कपड़े पहनती है, छोटी छोटी स्कर्ट्स और जीन्स पहनकर लड़कों के साथ घूमती है, और वो भी उस अजय के साथ। वो दारू पीता है, ड्रग्स भी लेता है, ये सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। सर वो एक्चुअली आपको प्रीति से प्रॉब्लम क्या थी? वैसी लड़कियों की वजह से ही तो हमारा समाज खराब होता है। ओके, आप आखिरी बार प्रीति से कब मिले थे? पता नहीं। आप कॉलेज कैसे आते हैं? क्या मतलब? बताइए प्लीज। बाइक से आता हूँ। कार चलाते हैं? क्यों बताओ? Hey! ठीक से लिखो, सब ठीक से लिखो। आप बताइए सर। ड्राइविंग नहीं आती मुझे। कृष्णा आपके सैंपल्स कलेक्ट करेगा। कौन से सैंपल्स? और मैं क्यों दूं आपको? डीएनए के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आपके पास? ऑर्डर्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि आप सैंपल्स देने में क्यों मना कर रहे हैं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मुझे भी कानून के बारे में पता है। पहले जाइए ऑर्डर लेके आइए। सर आपकी उम्र क्या है? 59। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जिएंगे, पर आपके अलावा देश की संस्कृति कौन बचाएगा? हाँ, अब अच्छे से बचाइए। किसी पर शक है क्या? इब्राहिम पर तो शक है ही। अजय और चंद्रकांत? चंद्रकांत को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? सैंपल्स देने में नाटक कर रहा था और उसके पास मोटिव भी है। अरे वो पागल बुड्ढा है, उसे लगता है देश की संस्कृति का भार उस पे है, और वैसे भी उस जैसे लोग बहुत हैं। सिर्फ संध्या पर नजर रखना, क्योंकि वो सामने आकर पुलिस की मदद करने को तैयार हुई, और वो दोनों एक रात पहले पब में थी। अब देखना यह है उस रात हुआ क्या था। संध्या और अजय पर नजर रखने के लिए दो आदमी भेजो। तुमने शिंदे से पूछा क्या नेहा ने प्रीति के केस के बारे में कोई अपडेट दी थी? अब तक तो नहीं है। उफ, इसकी तो
तू पागल है क्या अभिलाष? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? प्रीति के केस में सडनली इतना इंटरेस्ट क्यों? ये बताना जरूरी नहीं है। वक्त आने पे हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। निकल। मुझे ठीक से बताएंगे जिस दिन प्रीति गायब हुई थी उस दिन सुबह क्या हुआ था? रोज की तरह सुबह उठ के कॉलेज गई और शाम को वापस आ गई। फिर तैयार होकर दोस्तों के साथ एक पार्टी पर चली गई, लेकिन मुझसे कहकर गई थी कि पापा मैं घर वापस जल्दी आ जाऊंगी। कौन से दोस्त? उसके कॉलेज के दोस्त ही हैं वो। अगले दिन सुबह क्या हुआ? दूसरी सुबह वो देर से उठी थी और उसने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर वो सरस्वती जी के अनाथ आश्रम चली गई। कहाँ है ये अनाथ आश्रम? सुनिए जी, कहिए। प्रीति के सिलसिले में मैंने फोन किया था ना? हाँ, पूछिए, क्या पूछना है? प्रीति कैसी लड़की है? बहुत ही प्यारी लड़की है सर। उसके साथ बुरा हुआ, पता करने के लिए रोज मोहन को फोन करती हूँ। आप उसे किसी भी तरह ढूंढ लाइए। वो हर महीने अनाथाश्रम में पैसे दे रही थी जब से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई। एक मिनट, आप लोग प्रीति के असली माँ बाप नहीं है? नहीं सर, उसके असली माँ बाप कौन है कोई नहीं जानता। मेरा भाई शिव और उसकी बीवी प्रिया प्रीति को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले गए थे, पर बदनसीबी से वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से प्रीति हमारे साथ ही रह रही है। प्रीति जिस अनाथाश्रम में रहती थी उसमें मेरा भाई कुछ न कुछ पैसे हर महीने भेजता था अपनी खुशी से, और उनके गुजरने के बाद ये जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, बल्कि प्रीति खुद पैसे दे आती है। सुना, प्रीति हर महीने आपको पैसे देती थी? जी देती थी। आश्रम का आधा खर्चा उसी के पैसों से पूरा होता था। प्रीति ने कभी उन पैसों का हिसाब मांगा आपसे? नहीं, वो मुझ पर भरोसा करती थी। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, यहाँ तक कि शिव और प्रिया ने मेरे सामने ही उसे गोद लिया था। अरे वो बच्ची इतना रो क्यों रही है? उस बच्ची को आज किसी ने गोद लिया है, हमें छोड़कर जा रही है इसलिए रो रही है। हे, उसे लेकर आओ। वहाँ से आने के बाद वो अपने बेडरूम में आराम करने चली गई। फिर शाम को तैयार होकर दोस्तों से मिलने चली गई। फिर उसने रास्ते से मुझे इब्राहिम के फोन से कॉल करके कहा कि पापा आप मुझे पिकअप करो। बस आखिरी बार वही बात हुई थी। आस पड़ोस में किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी? हमारे पड़ोस में शीला नाम की एक औरत रहती है, प्रीति और वो बहुत खास दोस्त है। सुनिए मैडम, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सर। हम दोनों मिलकर एक फूड ब्लॉग का चैनल भी चलाते हैं सर। पूरी कॉलोनी में और कोई मुझसे बात नहीं करता। क्यों? डिवोर्सी हूँ सर। हम जैसी औरतों की कोई इज्जत नहीं। आखिरी बार प्रीति से कब मिली थी? कभी कभी वो मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ले जाती है। हादसे के एक दिन पहले ही उसने कॉल किया था पार्टी में आने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी घर आ गई। हादसे वाले दिन आप कहाँ पर थी? उस दिन मैं अपनी बेटी से मिलने गई थी, मेरे एक्स हस्बैंड उसे लेकर आए थे। यहाँ पास में एक पार्क है वहाँ। क्या हम आपके हस्बैंड से बात करें? एक्स हस्बैंड सर। हाँ वही, कॉल करें। हाँ सर, पर फिक्र मत करिए, ये फॉर्मेलिटी है। अगर पता चल जाए क्राइम के वक्त आप कहीं और थी तो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, और कुछ नहीं। ठीक है सर। सर जी, आपने बताया कि आपके भैया और भाभी कार एक्सीडेंट में मर गए। हाँ जी। तो यूएस में उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? जब तक वो छोटी थी तब तक तो सब कुछ मैं ही संभालता था। अब 18 की हो गई है तो सब उसके नाम ट्रांसफर हो गया। ओके। रोहित, प्रीति के माँ बाप ना उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया। उसने हाईवे पर जाने के लिए यही रास्ता लिया था? हाँ यही था। इस टायर के पैटर्न और वहां के निशान बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के ठेकेदारों से पूछो, क्या ये ट्रक्स यहाँ अक्सर आते हैं? ठीक है। प्रीति एक आम जिंदगी जीने वाली लड़की थी, ऐसी प्यारी बच्ची को कौन अगवा करना चाहेगा? रोहित, पहले तो मैंने ये केस नेहा को ढूंढने के लिए उठाया था, अब मुझे फिक्र होने लगी है। इतनी समझदार और घुलने मिलने वाली बच्ची, उसके साथ किसी ने कुछ गलत ना किया हो। नेहा और प्रीति दोनों को सही सलामत घर लाना होगा। सुनो कृष्णा। जी सर। रोहित की डायरी से सस्पेक्ट्स के नाम ले लो। ठीक है सर। ठीक है विक्रम, मैं चलता हूँ, गाड़ी तुम रख लो। रोहित, शाम को हम उस क्लब में जाएंगे जहाँ किडनैपिंग से एक दिन पहले प्रीति अपने दोस्तों के साथ गई थी। सपना को भी ले लेना ताकि लोगों को शक ना हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुमने प्रपोज करने से पहले मेरे बारे में वो सब कुछ इमेजिन कर लिया था? मुझे बिल्कुल सच सच बताना।
शराब नेहा। ए, सच बताओ ना प्लीज, मुझे जानना है। याद है पहली बार एक केस के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने आया था? हे, सच बोलो यार। तुम तभी पसंद आ गई थी। उस दिन शाम को घर आने के बाद तुम्हें याद करते हुए तुम्हारी फोटो देखता रहा। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। हे, तब तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। देखो मैं ऐसा ही हूँ, अगर किसी को पसंद करता हूँ तो सोचने लगता हूँ। अब तुम बताओ नेहा। विक्रम, विक्रम जल्दी आओ, विक्रम पानी लेकर आना, आग लग गई है यहाँ। विक्रम जल्दी पानी लेकर आओ, खड़े क्यों हो, जाओ लेकर आओ। नेहा के बारे में सुनकर दुख हुआ। कुछ लोगी क्या? एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। चल रोहित। रेगुलर कस्टमर्स, बारटेंडर्स, यहाँ सफाई करने वाले, सबको ध्यान से देखो। कोई लीड मिले तो तुरंत मैसेज करना। ठीक है। और हाँ, इस क्लब के अंदर तुम्हें कोई सीसीटीवी कैमरा दिखा? मैं चेक करता हूँ। प्रीति के क्लब में एंटर करने से लेकर जाने तक की सारी फुटेज मुझे ला कर दो। और मैंने देखा पार्किंग में भी कैमरास लगे हैं, उसकी भी फुटेज मुझे चाहिए। ओके, लेट्स गो। एक मिनट आया। जी सर। सर साइड में आओ, तुमसे बात करनी है। आता हूं सर। सर मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूं, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। ये प्री बिल्कुल नहीं। रुक रुक, अबे कौन है भाई तू? You
कहाँ है? जल्दी बोल, कहाँ है? कहाँ है वो? मेरी जेब में है सर। जेब में? कौन से जेब में? सर, मेरी जीन्स की जेब में। मारना मत सर। दांत तेरी की। तूने इस लड़की को देखा है? नहीं सर। ठीक से देख के बोल, इसको देखा है कि नहीं? इसको हमेशा क्लब में देखा है, अजय और उसके दोस्तों के साथ। इसके बारे में और कुछ नहीं जानता सर। हम इस वक्त ओल्ड सिटी में हैं, ड्रग रैकेट मिला है, आकर सब सीज कर लो। नहीं भाई, गलती से पकड़े गए हैं, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दूं। आए, नीचे नीचे। रोहित यहीं पर है, जल्दी से पहुंच जाओ। हाँ रोहित, इसे बांध कर रखो। सर एक काम करिए, प्रीति के लिए घर में पूजा रखिए। कैसी पूजा सर? आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाए, उसके लिए घर में एक पूजा रखवाइए। लेकिन क्यों सर, इस सब की जरूरत? सर मेरी बात मानिए, मैं आपकी बेटी को लेकर आऊंगा, आप सिर्फ उसके दोस्त, आपके सगे संबंधी सबको पूजा पर बुलाइए, और ये पूरी गेस्ट लिस्ट रोहित को दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूजा कल के कल होनी चाहिए। तुम यहीं रहो रोहित। ये पूजा का क्या चक्कर है? रोहित तुम्हें लगता है जिसने भी प्रीति को किडनैप किया है वो इस पूजा में आएगा? नहीं आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, और जो भी गेस्ट पूजा में नहीं आएंगे उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। पर वो आ गया तो? तब तो और भी अच्छी बात है, अगर किडनैपर आया तो पक्का हमारे लिए कोई ना कोई सुराग छोड़ कर जाएगा, और ऐसे केसेस में अक्सर घर का कोई आदमी ही शामिल होता है। इस पूजा में जरूर हमें कुछ मिलेगा। सभी सस्पेक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, और जिस पर भी ज्यादा शक हो उसको उठा लेंगे। कल मिलते हैं। रोहित, नेहा की कॉल डिटेल्स मिली? शाम तक मिल जाएगी। और क्लब की सीसीटीवी फुटेज? मिल गई है, ऑफिस में चेक हो रहा है। ठीक है, इनकी लिस्ट तैयार करवा। ठीक है। क्यों, क्या हो गया भैया? अब चलिए तो सही। क्या हुआ मैडम? सर आप लोग मेरे घर चलिए, जल्दी चलिए। सर ये लेटर मुझे यहाँ पर पड़ा मिला। मैं घर के बाहर निकल रही थी तब मैंने इसे देखा। इस पर आपका नाम है और लिखा है कि राजू गेस्ट हाउस के बाहर एक लाश पड़ी है। लाश है? किसकी लाश है वो? मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना, बताइए ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। हो जाओ। ऐसा होता तो विक्रम का नाम क्यों लिखते?
खाना खाया? ओए ओए हीरो आजा, तुम कुछ खाओगी? सुष्मी ऑमलेट खाओगी ना? हाँ। वो लोग आज सुबह भी आए थे। आपके ऑफिस जाने के बाद वो दोनों वहां से घर की तरफ घूर रहे थे। रमेश, रमेश। हाँ साहब। तुमने किसी आदमी को घर के बाहर देखा क्या? नहीं साहब। मेरे ऑफिस जाने के बाद कोई आया? मैंने किसी को नहीं देखा। सुष्मी टाइम पे दवाई ले रही हो ना? नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है विक्रम। चलो ये दवाई खाओ। विक्रम मैं पागल नहीं हूं, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। कहाँ जा रहा है? तुम्हारे बेकार सवालों के लिए टाइम नहीं है। तुझे मेरे साथ स्टेशन चलना होगा। कब से वेट कर रहा हूं, मुझे पूछताछ करनी है तुझसे। बेवकूफ इंसान, तुम गलत इंसान पे शक कर रहे हो। नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर दम है तो मुझे रोक के दिखा। कॉलर छोड़ मेरा। छोड़। ए, गधे कहीं के। सर ये अभिलाष, तुम इस तरह विक्रम से बात नहीं कर सकते। और ये शहर छोड़कर कहीं भाग रहा है क्या? हाँ विक्रम तुम जाओ। सुनो, रोहित सर्च टीम लेकर गेस्ट हाउस में बॉडी ढूंढने के लिए गया है, तुम भी पहुंचो। थैंक यू सर। तुम तो कुछ बोलो ही मत, मुझे तुम्हें नेहा का केस देना ही नहीं चाहिए था। नेहा को ढूंढना छोड़कर तुम विक्रम के पीछे पड़े हो। हे विक्रम, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। वक्त पे दवाइयां लेते हो ना? नहीं, उससे नींद बहुत आती है। सर मुझे पक्का यकीन है कि नेहा को गायब करने में विक्रम का हाथ है। विक्रम प्रीति का भी केस हैंडल कर लेगा और साथ में नेहा का भी। रोहित ने मुझे सब बता दिया है। अच्छा होगा तुम ये केस छोड़ दो। तुम जा सकते हो। कहीं कुछ मिला? अब तक नहीं, सर्च डॉग्स काम पर लगे हुए हैं। मैं 5 घंटे से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था और अब तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिला? कोशिश कर तो रहे। कैसी कोशिश? अभी तक ये नहीं पता कि लाश प्रीति की है या नेहा की। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी काम करो, मैं फोरेंसिक्स के पास जा रहा हूँ। तुम लाश को ढूंढ के लाओ। ओके। और हाँ रोहित, मत सैंपल्स को सस्पेक्ट्स के शूज, कार और बाइक के टायर सभी सैंपल्स के साथ कंपेयर करो, किससे मैच करते हैं। रिजल्ट्स आते हैं मुझे बताओ। और उनके फोन्स को ट्रैक करो और बताओ कि वो कहाँ हैं। ओके विक्रम। विक्रम ये है अनिरुद्ध, ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट है। अनिरुद्ध मुझे एक बात बताओ। हाँ। क्या हम इस नोट से किसी सस्पेक्ट की हैंडराइटिंग को कंपेयर कर सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो कि ये नोट किसने लिखा है? ये जिसने भी लिखा है ना, उसने जानबूझकर छोटे छोटे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। ये उसकी असली लिखावट नहीं है। ये बहुत ही शातिर है विक्रम। इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले? मैंने तुम्हें सब रिपोर्ट्स मेल कर दी है। शीला और प्रीति के पापा के फिंगरप्रिंट्स हमें इस पर मिले हैं। शायद उन्होंने इसे पढ़ने के लिए उठाया हो। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मेरे ख्याल से तुमने ग्लव्स नहीं पहने थे। इसके अलावा हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जिसने भी ये किया है बहुत सोच समझ के किया है। नेहा की कॉल लिस्ट। हाईवे पे जो कार्स उस टाइम पर पास हुई थी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन? उस वक्त हाईवे से जाने वाले करीब 50 ड्राइवर से बात कर चुका हूँ। सब लोगों ने मिनी कूपर तो देखी थी, लेकिन ब्लू वाली कार किसी ने नहीं देखी विक्रम। प्रीति के घर के बाहर जो टायर मार्क्स, मैंने आसपास पूछताछ की थी। वो कहते हैं कि वहां से पानी के टैंकर जाते रहते हैं, तो वो उसी के निशान थे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा रोहित। शीला मुझे एग्जैक्टली बताओ ये नोट कहाँ और कैसे मिला? जब मैं प्रीति के घर पूजा के लिए जा रही थी तब मुझे ये घर के बाहर मिला था सर। पहले तो मुझे लगा कि किसी सेल्समैन ने ये डाला होगा, क्योंकि वही ऐसे पैम्पलेट डालते हैं। फिर देखा तो पेपर वाइट था और सब कुछ क्लियर लिखा था। तब मेरा ध्यान गया और जब मैंने उसे पढ़ा तो पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैं दौड़ती भागती प्रीति के घर मोहन भैया को ये बताने आई। बाकी तो आप जानते ही हैं सर। ये पेंटिंग तुमने बनाई है शीला? हाँ सर। अच्छी है, क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ? ले लीजिए। उस नोट पे स्ट्रोक्स और पेंटिंग के स्ट्रोक्स को कंपेयर करके बता सकते हो क्या ये एक इंसान के है? बता सकता हूँ, पर क्या असली पेंटिंग मिल जाती तो अच्छा होता। मैं असली पेंटिंग उठाकर नहीं ला सकता भाई, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। मेरा कहना ये है कि हो सकता है रिजल्ट सही ना मिले।
अगर स्ट्रोक मैच नहीं होते हैं तो मैं पक्का बता पाऊंगा, अगर मैच हो गए तो शायद ये उसी इंसान का काम है। ठीक है, फिलहाल तुम इस पे काम शुरू करो। सर, पता चल गया, हो सकता है ये नोट शीला ने ही लिखा है। ये वो नोट है जो आपने मुझे दिया था, और ये है शीला की पेंटिंग। इन दोनों सैंपल्स में बिल्कुल ना के बराबर फर्क है सर, स्ट्रोक बनाने का स्टाइल और उसके बीच में गैप्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। मतलब शीला ने ही लिखा है? हम यकीन से तो नहीं कह सकते विक्रम। हाँ, पर हो भी सकता है। तलाशी के लिए वारंट लेकर आता हूँ। अगर उसी ने किया है तो उसके घर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? प्रीति तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताती थी ना, इसलिए कोई क्लू या एविडेंस मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। फिक्र मत करो। विक्रम, शीला एक बार हमारे ब्रांच ऑफिस में आ जाना, मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और गाड़ी की चाबी लेकर आओगी जरा? लाती हूँ सर। कब आना है ये रोहित तुम्हें बताएगा, और जैसे ही बुलाऊं तुम आ जाना। ठीक है सर। ये किसकी गाड़ी है? मेरी है सर। पहले तो नहीं दिखी? सर्विसिंग में थी। रोहित, जाके कवर हटाओ। इस गाड़ी की चाबियां लेकर आओगी? लाई सर। प्रैक्टिस नोट्स। अरेस्ट करो इसे। सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, मैं आपको सब बता दूंगी सर। सर प्लीज सर। चल बैठ अंदर। तो बोलो शीला, प्रीति और नेहा कहाँ हैं? ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसको मारा है तुमने और लाश कहाँ पर है? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ वो नोट मैंने लिखा था, पर प्रीति के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। फिर वो नोट क्यों लिखा? सर, मैं तलाकशुदा हूँ। पूरी कॉलोनी में प्रीति के अलावा और कोई मुझसे बात नहीं करता। उसके गायब होने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी सर। मैंने सोचा आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई बड़ा सबूत दूंगी तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, यही सोचकर लिखा। बकवास सर। शट अप शीला, पुलिस को बेवकूफ समझती हो तुम? सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। पता नहीं प्रीति कहाँ है और नेहा कौन है, मैं नहीं जानती। मुंह खुलवाओ। विक्रम सर गरम दिमाग के, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। उन्होंने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया तो सह नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, जो कुछ कहना है मुझे कह दो, मैं सब संभालूंगा। बस मुझसे कोई भी बात छुपाना मत। सर,
कहती हूँ सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। कुछ बताया उसने? नहीं। आगे क्या करना है? ये औरत झूठ बोल रही है रोहित, पर अगर सच बोल रही है तो हो सकता है कि नेहा और प्रीति सेफ हो। हमें पता करना होगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। पॉलीग्राफ करते हैं। उसकी परमिशन नहीं ली तो उल्टा हम पे केस हो जाएगा। वो मैं खुद साइन करवा लूंगा। सच बोल रही है तो मना नहीं करेगी। बाय द वे, राजू गेस्ट हाउस के मर्ड सैंपल से हमने सस्पेक्ट्स के मर्ड सैंपल्स कंपेयर किए थे। नो मैच। लोकेशन भी मैच नहीं हुई है। शीला उस वक्त सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं थी ना? नहीं। छोड़ो फिर, शीला के शूज और उसके कार टायर्स के सैंपल भी मिलाकर देखो, मैच हुए तो बताना। फोरेंसिक्स वालों की टीम को बुलाओ और चेक करो कार में कोई एविडेंस मिला कि नहीं। शायद प्रीति या नेहा में से किसी का क्लू मिल जाए। इब्राहिम से पूछो, उसने यही कार देखी थी क्या? ठीक है, पूछता हूं। वो कुछ बोली? पॉलीग्राफ टेस्ट कराना पड़ेगा। परमिशन? दे देगी। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहो। yes, तुम जो भी करना चाहते हो कानून के दायरे में रह के करना। शीला, ये पॉलीग्राफ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट के लिए हाँ कह दो। कंसेंट पेपर साइन करोगी? मना करोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रांग हो जाएगा, और वैसे भी मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर ही आऊंगा, तो परमिशन दोगी या नहीं? हाँ सर। कंसेंट पेपर पे साइन करा के प्रोसीड्यूर शुरू करो। ये बहुत नर्वस लग रही है, इसे कहो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। शीला, टेंशन में रहोगी तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। गहरी सांस लो और रिलैक्स करो, और हर सवाल का सोच के जवाब देना। ठीक है सर। तुम्हारा नाम शीला है? हाँ सर। क्या तुम 30 साल की हो? हाँ सर। तुम्हारे एक्स हस्बैंड का नाम विजय है? हाँ सर। तुम प्रीति को जानती हो शीला? हाँ सर। क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? शीला, जवाब दो, क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं सर। शीला, क्या तुम नेहा को जानती हो? नहीं सर। नेहा जिंदा है या मर गई? मैं किसी नेहा को नहीं जानती सर। वो झूठ नहीं बोल रही है। पर नेहा और प्रीति के बारे में पूछने पर उसका हार्ट रेट बढ़ गया था। ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि वो जानती थी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसे नेहा और प्रीति के बारे में पूछा जाएगा। जवाब देते वक्त पल्स रेट नॉर्मल थी, और जीएसआर और रेस्पिरेशन के वक्त भी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। मुझे लगता है उसे पॉलीग्राफ टेस्ट को चीट करना आता है। मतलब? देखो, कई लोग पॉलीग्राफ के वक्त अपनी सांस और हार्ट रेट को कंट्रोल करना जानते हैं, और इसने भी वही किया, इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लूंगा। रीटेस्ट हुआ तो बुलाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। रोहित, नार्को टेस्ट करते हैं। नार्को टेस्ट? हाँ। परमिशन लेने में बहुत टाइम जाएगा और बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जज लक्ष्मण राव से मिलो, प्रीति का केस समझाओ और उन्हें कहो कि मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है। हाँ, एक बात और रोहित, रात में शीला के घर जाओ, उसकी गाड़ी में से मर्ड सैंपल्स कलेक्ट करो और राजू गेस्ट हाउस के मर्ड सैंपल से कंपेयर करो। Vikram!
दवा असर नहीं कर रही। शीला प्लीज शांत हो जाओ। देखो शीला, शीला मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? उठाओ इसे। शीला उठो। शीला क्या तुमने प्रीति को अगवा किया है? सुन नहीं पा। ये बेहोश हो रही है, उठाओ इसे। शीला शीला क्या तुमने प्रीति को अगवा किया है? प्रीति इसकी नब्ज चेक करो। जी सर। प्रीति गायब है। डोजेज हाई था, ये शायद जवाब न दे। नेहा शीला, शीला नेहा को क्या हुआ? शीला नेहा, नेहा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है नेहा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नेहा नेहा कहाँ है? शीला बताओ मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब मेरा सब्र टूट रहा है रोहित। तुमने सुना नहीं नेहा का नाम लिया? कहती है जानती नहीं, इसी ने किडनैप किया नेहा और प्रीति को। तुम बार बार नेहा का नाम ले रहे थे, उसके दिमाग में नाम छप गया होगा और बेहोशी में मुंह से निकल गया। अगली बार नार्को टेस्ट के लिए मुझे मत बुलाना। अगर उसकी जान चली जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? तू इडियट्स। नार्को टेस्ट करवाया, मेरे कैबिन में आओ। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। आइंदा मुझे पूछे बिना कुछ भी किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, समझ गए? जाओ। मेरे लिए कप चाय भिजवाओ। इब्राहिम। हेलो, हाँ जल्दी बोल। सर ये शीला वाली कार उस कार से मैच नहीं हो रही है। हाईवे पे जो कार मैंने देखी थी उसकी और इसकी ब्रांड बिल्कुल अलग है सर। फॉरेंसिक वालों का कॉल आया था, शीला की गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो दोषी साबित हो। हेलो। हाँ बोलो। क्या राजू गेस्ट हाउस के पास एक सड़ी हुई लाश मिली है विक्रम, पर उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही। विक्रम तुम ठीक हो?
रोहित, इस बॉडी को जल्दी फॉरेंसिक्स में भेजो और पता करो ये प्रीति है या नेहा। हेलो। अच्छा ठीक है विक्रम, शीला की गाड़ी से जो मड सैंपल्स मिले हैं वो यहाँ की मिट्टी से मैच करते हैं। वो यहाँ पर आई थी। बोल, वो लाश किसकी है? प्रीति की या नेहा की? लाश, कौन सी लाश? जल्दी बता, मेरा दिमाग मत खराब कर। हमें उसी जगह पर एक लाश मिली जो तूने बताई। बता शीला, क्यों किया ऐसा तूने? शीला क्यों किया ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता सर, सच में सर, मेरे किसी को। कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स, सर, थर्ड डिग्री शुरू करो। यकीन मानिए सर, हेलो रोहित, फॉरेंसिक टीम से फोन आया था, लाश मिल गई है। साल की बच्ची थी वो शीला, तुझे शर्म नहीं आई उसे मारते हुए? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं सच की मैं कुछ नहीं जानती। बस बहुत हो गया ये खेल, अब बता दो नेहा कहाँ है? कांस्टेबल्स, विक्रम, फॉरेंसिक वालों का कॉल है। हेलो, बता, सब बता। हेलो, हाँ बोलो शिंदे। विक्रम, हमने प्रीति की डेड बॉडी को अच्छे से एनालाइज कर लिया। उसके नाखूनों में किसी का डीएनए मिला है। क्या शीला का है? नहीं, अजय का है। क्या? लाश पर अजय का डीएनए मिला, कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी यहाँ जाकर लेकर आ। ठीक है। बोल, सच बोल, नहीं तो इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। मैं जानता हूँ अजय और तूने मिलकर प्रीति को मारा है। मैं अजय से नहीं मिली, मुझे तो याद भी नहीं है मुझसे आखिरी बार कब मिली थी। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे सर, मुझे बस आया जा रहा है। अजय मिल ही रहा। मैंने कहा था उस पर नजर रखना, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो रोहित? एक खबरी को उसके पीछे लगाया था, पर पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैंने मैसेज छोड़ा है, वो रिप्लाई जरूर करेगा, तुम टेंशन मत लो। हेलो, कौन बोल रहा है? बोलो शिंदे। प्रीति के दांतों पर किसी का डीएनए मिला है। किसका है? प्रीति के पिता का है। एक और चीज भी है, प्रीति के जांघों पर हमें एक सफेद बाल मिला है। डीएनए चेक किया तो पता चला वो सरस्वती का है। प्रीति के दांत पर मोहन का डीएनए मिला और बॉडी पर सरस्वती का बाल मिला है। ऐसा लगता है इन सब ने मिलकर प्रीति का मर्डर किया, सोच समझकर उसे मारा है। सबको बुलाओ,
सबको बुलाओ और कहो हमें सबसे सवाल जवाब करने हैं। अजय का कुछ पता चला? खबरी का फोन नहीं अब तक। जल्दी उसकी लोकेशन का पता लगा, और उसने उसने कहा था ना कि वो अरुतला का है, तो जल्दी वहाँ कांस्टेबल भेजो, लेकर आओ उसे यहाँ, जल्दी लेकर आओ जल्दी। विक्रम, मोहन लक्ष्मी और सरस्वती को ले आए हैं। उन्होंने कोई नाटक तो नहीं किया? नहीं। और अजय? खबरी का अब तक फोन नहीं लग रहा। ये केस बहुत उलझता जा रहा है रोहित। अजय विकाराबाद में। तुम्हारा खबरी वहीं पर है? हाँ वहीं पे। छोड़ेंगे नहीं उसे। ये यहाँ कब आया? वो आज सुबह यहाँ अपनी बाइक पे आया है। मैं कब से उसका पीछा कर रहा हूँ। अकेला था या साथ में कोई और भी है? वो अकेला आया है। उस झोपड़े में जाना होगा रोहित। पीछे की खिड़की से घुसेंगे, वो हमें देख नहीं पाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? बताओ क्या रायता फैलाया है सर? देख भाई, मेरा दिमाग ठनका हुआ है, अब जो भी है सच सच बता वरना। सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला, प्रीति मेरी गर्लफ्रेंड है। वो इतने दिनों से लापता है, तो मुझे लगा कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं। टी शर्ट उतार। क्या? चल टी शर्ट उतार। सर क्यों? सर उतार। सर चल घूम। ये कैसे हुआ? सर वो मैं बचपन में साइकिल से गिर गया था। रोहित प्रीति की लाश मिली है और उसके दांत में आपका डीएनए मिला है। कहना क्या चाहते हो? मैंने मेरी बेटी का कत्ल किया है। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं तुमने किया। देखो मुझे सब पता है, अब बता दो तुम। ये मार इसे। इसका गुस्सा। अरे बेवकूफ बना रही है सबको। होली सुगर अब सब सच बताएगी या? बोल इधर आ। ये बोल। ये क्या हो रहा है रोहित? एक भी इंसान के पास प्रीति को मारने का कोई पक्का मोटिव नहीं, इतने सारे एविडेंसेस हैं, पर एक बड़ा सुराग नहीं मिला जिससे ये केस सॉल्व हो सके। हेलो, क्या इंस्पेक्टर विक्रम है? जी आप कौन? मैं लता बोल रही हूँ सर। बोलिए। मैं हाईवे पे गाड़ी चला रही थी तब मुझे एक फोन कॉल आया, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोकी। पता नहीं कहाँ से लेकिन एक गाड़ी मेरे सामने आके रुक गई। उसने मुझे इशारे से काश नीचे लेने बोला। मैंने पेपर में पढ़ा था कि कुछ दिन पहले इस एरिया से एक लड़की अगवा हुई थी। मैं
मैं डर गई और वहाँ से निकल गई। वो मेरा पीछा कर रहा था सर। कंप्लेंट लिखवाने मैं पुलिस स्टेशन गई और मुझे वहीं से आपका नंबर मिला। इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं अभी रावीरियाल एग्जिट के पास वंडला के सामने हूँ सर। वंडला के सामने टपरी दिख रही है, तुम वहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ठीक है सर। हेलो रोहित, गाड़ी का कलर? व्हाइट कलर की एम्बेसडर थी। आदमी कैसा दिखता था? उसका रंग साफ था, मैं हाइट नहीं देख पाई क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा था। उसने काला चश्मा काली टोपी पहनी थी। मुझे इशारे से कांच नीचे लेने बोला पर मैंने नहीं किया। उसके बाद वो मुझ पे जोर से चिल्लाने लगा, कह रहा था कि नीचे उतर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ ऐसे ही बोल रहा था। और फिर? काफी देर से पीछा कर रहा था। फिर मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कहीं नहीं दिखा। क्या आप ऑफिस में आकर स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बता सकती हैं? ठीक है सर। गाड़ी की चाबी रोहित को दीजिए। रोहित कार लेकर जाओ, मैं इनको अपने साथ लेकर आता हूँ। ये लीजिए। लता तुम यहीं पर रुको, मैं जरा टोल बूथ से सीसीटीवी फुटेज लेकर आता हूँ। ठीक है सर। रोहित, नाम क्या है तेरा? कार्तिक। मुझे आज की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तुम कौन हो? पुलिस इंस्पेक्टर। ओ सॉरी सर, कब का फुटेज चाहिए? आज सुबह का। ये नहीं, ऐसी तुम देखो, मैं आता हूँ। अलग थी। रोहित इससे चेक करो जरा। ठीक है। सुबह 8:30 बजे की फुटेज ओपन करो। लता ने 9:30 बजे फोन किया था, तो 8:30 का फुटेज प्ले करो और देखो कितनी व्हाइट कलर की एम्बेसडर गाड़ी आई है। और उसने लता का पीछा किया था तो इसी टोल एग्जिट पर एक बार रुका होगा, आगे भी यही रोड क्रॉस किया होगा, मतलब इसी फुटेज में जरूर नजर आएगा वो हमें। लता गाड़ी पक्का व्हाइट एम्बेसडर थी ना? हाँ सर, व्हाइट एम्बेसडर। सर, नहीं सर, कैप और सनग्लासेस छोड़कर और कुछ मैच नहीं हो रहा। 2 घंटे और रुक सकती हो प्लीज? मैं कोई दूसरा अच्छा आर्टिस्ट बुला के लाता हूँ। नहीं सर, लेट हो रहा है, मेरी मॉम मुझे बहुत देर से कॉल कर रही है। रघु। सर, मैडम को संभाल के घर छोड़ के आओ और इनके ऑटो के पैसे मत देना, ठीक है? ठीक है सर। आप कल सुबह आइए। आप आगे बैठिए। ठीक है मैडम। कुछ तो गड़बड़ है रोहित, कार वाले ने पीछा किया, ना कहीं से एग्जिट लिया, ना ही टोल पर आके रुका और अचानक गायब। पॉज करो, थोड़ा रिवाइंड करो, पॉज। ये प्ले करो, प्रीति जिस दिन गायब हुई थी उस दिन का फुटेज। पॉज। इब्राहिम ने प्रीति को आखिरी बार कितने बजे देखा था? 6 बजे। इस ट्रक को देखो, एग्जैक्ट 30 मिनट बाद टोल पर आकर रुका और सुबह 9:30 बजे लता ने मुझे कॉल किया और देखो 30 मिनट बाद ये वाला ट्रक फिर से वहां आया। नंबर प्लेट्स अलग है पर ट्रक और ड्राइवर दोनों सेम, वही काली टोपी और चश्मा। मैं आरटीओ से नंबर चेक करता हूँ। दोनों नंबर प्लेट्स नकली हैं, मतलब ये कुरियर कंपनी भी नकली है। यही आदमी हमें चाहिए। जूम करो, फोटो बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक काम करो, शिंदे से कहो कि फोटो क्लियर करके दे, स्क्रीनशॉट बना के मुझे मैसेज करे। ओके। गौर से देखो साहब को, पहचानती हो इसे? नहीं सर, सोचिए इस आदमी को कहां देखा होगा आपने, याद कीजिए। फिर से देख, झूठ बोला ना इस बार तो बहुत बुरा होगा, तुम समझ लो। कभी भी देखा प्रीति के साथ इसको? नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा है सर। नहीं सर। सॉरी विक्रम, दोनों फोटो में आदमी ने टोपी पहनी हुई है, उसकी दाढ़ी भी है, चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा और फुटेज की क्वालिटी भी खराब है। क्या हुआ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा? मुझे इस आदमी की तलाश है सर, वक्त बहुत कम है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं नेहा को नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दौर पहले भी आया था जब तुमने अपनों को खोया था।
आज तुम फिर से वैसी ही स्थिति में हो। तुम में वो जज्बा है कि तुम मुश्किल हालात को जीत में बदल सकते हो। हार मत मानना। हेलो रोहित, जल्दी से गोलकुंडा पुलिस स्टेशन आ जाओ। कांस्टेबल सर, मुझे इस एरिया के हर एक क्रिमिनल की फाइल चाहिए, जल्दी। क्या चाहिए उसे? गुनेगारों की लिस्ट चेक कर रहे हैं। अपने सर का नाम भी डाल दे उस लिस्ट के अंदर, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। क्या बे? मैं तुझे तबाह कर दूंगा, याद रखना। तू खुद को समझता क्या है विक्रम? हाँ, मैं तेरी रिपोर्ट करूंगा अभी की अभी। मैं विश्वास सर को कंप्लेंट करूंगा, तू खत्म, समझा ना? तू बच नहीं सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता विश्वास सर घर पे हैं कि ऑफिस में, मुझे उनसे अभी बात करनी है, समझे? लेट मी नो, मैं होल्ड कर रहा हूं। अबे पता करो। हाँ हाँ, जरूरी बात करनी है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए तो तुमको फोन किया है ना मैंने। बात कराओ। वॉइस मैसेज भेजता हूँ। कौन? हे चुप बैठ, तुझसे कौन बात कर रहा है? सर, मैं काफी देर से आपको फोन ट्राई कर रहा था, आज तो विक्रम ने कर दिया। मैकेनिक कहाँ गया? मुझे नहीं पता। कहाँ रहता है कुछ पता है? मैं नहीं जानता। इब्राहिम घर पर है, बुलाइए प्लीज। क्या बात है? अरे वो मैकेनिक जिसने तुम्हारा स्कूटर ठीक किया था, जानते हो उसे? हाँ सर, बात नाम है। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? वो शहर के बाहर बस्ती में रहता है। चलो मुझे उसका घर दिखाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। चलिए सर। हाँ चलो। सर वो बल्ब जल रहा है ना सर, उसी पतरे के मकान में रहता है। ये वही कार है जो तुमने देखी थी? जी सर, यही कार।
देहा कहाँ है? बता, कहाँ छुपा के रखा है उसे? बता, अब तू नहीं पढ़ सकता। बता नेहा कहाँ है? रुक, ए रुक। नेहा किधर है बता? हाँ बता, बोल, बता वरना। कहाँ छुपा के रखा है नेहा को? बता। मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे। किसने? मैं आपको ले चलता हूं। चल। इसी घर में रहता है वो। विक्रम, मैं भी चलता हूं। नहीं, तुम जल्दी बैकअप बुलाओ। कहना सायरन ऑफ करके रखे, और अगर ये कुछ हरकत करे तो यहीं उड़ा देना। मत। विक्रम, तुम यहां कैसे? ये चोट कैसे लगी? सामने आके बैठ रोहित, और ज्यादा होशियारी मत करना। तो ये सब तुमने किया? नेहा कहां है रोहित? मैं बताना चाहता था। हिलना मत। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा रोहित। खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, पर पता था तुम। रुक जा रोहित।
रोहित, ये क्या हो गया तुम्हें? रोहित कुछ बोलो, रोहित बात करो मुझसे, रोहित, 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 रोहित तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या हो गया तुम्हें रोहित? नेहा कहाँ है सपना? इसने ये सब क्यों किया? रोहित ने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया, मैं हूँ असली गुनहगार। विक्रम, इस सब की शुरुआत सालों पहले सरस्वती अनाथ आश्रम से हुई थी। बच्चों जरा संभल के। मैं, प्रीति और मेरी छोटी बहन अदिति, हम तीनों अनाथ आश्रम में साथ रहते थे। अमेरिका से एक बच्ची अडॉप्ट करने के लिए मोहन का भाई शिव और उसकी बीवी प्रिया आए थे। इन तीनों में से आपको एक बच्ची जरूर पसंद आएगी। इनमें से जो पसंद हो आप गोद ले सकते हैं। मैंने जो कहा वो याद है ना? आपकी मर्जी के साथ उस बच्ची की भी मर्जी होनी चाहिए, तभी वो बच्ची हम आपको सौंप सकते हैं। हम जानते हैं तीनों में से कोई भी बच्ची चलेगी। मैं बहुत खुश हुई जब उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और ढेर सारा प्यार दिया, पर उस प्यार की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरी बहन को थी। अदिति के दिल में एक छोटा सा छेद है। डॉक्टर्स का कहना है सही वक्त पर इलाज हुआ तो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को गोद ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई भी चलेगी। अगर ऐसा है तो चिट्ठी निकालते हैं। जानती हो अदिति के दिल में छेद है, अगर वो लोग उसे गोद लेंगे तो उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो क्या तुम उनको कहोगी कि अदिति को गोद ले ले और तुमको नहीं? ठीक है दीदी। प्रीति, आ रही हूँ। महीनों बाद मेरी बहन गुजर गई और उस दिन उसका जन्मदिन था। मैं धीरे धीरे अपनी बहन के बिना जिंदगी गुजारने की आदत डाल रही थी, पर प्रीति के लिए मेरे दिल में बहुत नफरत पैदा हो चुकी थी। कॉलेज में मैं रोहित से मिली और उसके साथ मेरी शादी हुई, पर मेरी बहन के साथ जो हुआ उस गम को मैं कभी मिटा नहीं पाई। मेरा मूड ठीक करने के लिए रोहित मुझे एक पब ले गया और वहां पर मैंने प्रीति को देखा। वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। आप कौन? प्रीति को इतना खुश देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी जगह पर मेरी बहन हो सकती थी, यही सोच सोच कर मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। रोहित मुझे समझाने की बहुत कोशिश करता था पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। प्रीति को इतना खुश देखकर मेरी नफरत की आग और भड़कने लगी और मैंने फैसला किया कि मैं उसे मार डालूंगी। तब मैंने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। मैं फहद नाम के एक मैकेनिक से मिली और उसे प्रीति को किडनैप करने का काम सौंपा। वो खोलेगा कि नहीं? उसने मुझे कहा था काम होने के बाद मुझे और पैसे देगी। Thank you.
बंद पड़ गई है तो इसलिए। सपना, क्या हुआ सपना? और जिस दिन मेरी बहन का जन्मदिन था उसी दिन मैंने प्रीति को मार डाला। सपना, ये सब क्या है? रोहित, प्रीति, रोहित, प्रीति, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। रोहित जानता था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसने अपना फर्ज निभाने के बजाय मुझे बचाना ज्यादा जरूरी समझा। रोहित, प्रीति, प्रीति का केस HIT में ट्रांसफर हुआ और नेहा को जो भी सबूत मिले उसे छानबीन शुरू हो गए। केस के बारे में एक खास बात बताने के लिए नेहा ने श्रीनिवास को कॉल किया था पर लगा नहीं, इसलिए उसने रोहित को कॉल किया। हेलो, प्रीति के केस में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुराग मिला है। क्राइम सीन से मिली सुई पे उंगलियों के कुछ निशान पाए गए हैं। ये अच्छी खबर है। इस सुई पर ना तो प्रीति का खून पाया गया है और ना ही उसका DNA। अब जो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं मैं चेक कर लेती हूँ कि ये किसके हो सकते हैं। ये देखो, ये पार्शियल फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो के साथ चेक करना पड़ेगा। रोहित नहीं चाहता था कि जो सबूत मिले हैं वो श्रीनिवास तक पहुंचे, इसलिए उस रात रोहित नेहा से मिलने उसके घर गया। उसे मारना नहीं चाहते थे विक्रम, हमने तय किया था कि हम ये देश छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। रोहित ने सारी तैयारियां कर ली थी, हम बस इंतजार कर रहे थे कि कब रोहित का भाई आए और उसकी माँ को लेकर जाए। हमने सोचा कि हम नेहा को बेहोशी की हालत में कहीं छोड़ देंगे। वो लोग उसे छोड़ना चाहते थे साहब, अगर बाद में वो मुझे पहचान लेती तो मैं इन सब में फंस जाता, इसलिए मैं उसे मारने वाला था, तब इन्होंने मुझे पकड़ लिया। जब रोहित को वो नोट मिला कि राजू गेस्ट हाउस के बाहर एक बॉडी दफनाई गई है तो उसने सोचा कि प्रीति की बॉडी वहीं दफना दे। रोहित ये सब नहीं करना चाहता था, वो तो ये भी नहीं चाहता था कि मेरी गलती की सजा शीला को मिले, इसलिए तुम्हें बताए बिना जो भी शक के दायरे में थे रोहित उनसे फिर से जाकर मिला, उनके DNA सैंपल्स लिए और उन्हें खबर तक न होने दी, और वो सारे DNA उसने प्रीति की बॉडी पर लगा दिए। और ये सब करने के बाद उसने बॉडी वहीं पर दफना दी जो जगह शीला ने अपने नोट में लिखी हुई थी। उसने लॉन के बाहर वाली मिट्टी को शीला की गाड़ी के टायर की मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। रोहित तो किसी को फंसाना नहीं चाहता था, हम तो बस केस को उलझाकर यहाँ से भागना चाहते थे, तुमने सच जाने बिना ही रोहित को मार डाला।
और ये लता कौन है? मैं नहीं जानती लता कौन है विक्रम। पैसे के लिए, पता चला इस काम के इतने पैसे मिलते हैं तब मैं लालची हो गया साहब, इसीलिए मैंने उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की साहब। की बच्ची को नहीं बचा पाया। नहीं विक्रम, तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा, अगर तुम नहीं होते तो हम पल पल प्रीति के बारे में सोचकर मरते रहते, उसके लिए यहां वहां भटकते रहते। अब सच्चाई का पता तो चला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला किया वो बहुत ही अच्छा है। कौन सा? हर महीने इस अनाथालय को चलाने के लिए तुम जो पैसे भेजते हो उससे मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू विकी। अब तो तुम खुश हो ना? डियर विक्रम, जानता हूं तुम ये केस सॉल्व कर दोगे और जल्द मुझ तक पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम घर आओगे मैं तुम्हें गन से शूट करूंगा, पर मेरे घर में कोई गोली नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी गोली खाकर आजाद होना चाहता हूं। इस पाप से तुम्हें मुक्त करा सकते हो। तुम्हारा दोस्त रोहित। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है पर तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते। आखिर ये दौरे तुम्हें क्यों पड़ते हैं विकी? तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था बताओ ना विकी। मैं, पापा और मम्मी। पापा पुलिस में थे, मैं करीब 5-6 साल का रहा होगा। पापा की टीम ने किसी सलीम नाम के आदमी को अरेस्ट किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। पापा ने सलीम की पहचान कोर्ट में की और उसे 20 साल की सजा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद सलीम जेल से भाग गया। सलीम ने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मार दिया, पिस्टल से मेरे सर पे भी वार किया। जब तक मुझे होश आया तब तक दादी मुझे गांव लेके आ चुकी थी। दादा और दादी ने मेरी परवरिश की। काफी सालों से मैं सलीम को ढूंढ रहा था, तब किसी ने टिप दी कि सलीम अपने आदमियों के साथ मुंबई पोर्ट में है। उस दिन काफी लोग मारे गए लेकिन सलीम भागने में कामयाब हो गया। 40 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें उनके घर भेज दिया गया, मगर जब उनमें से एक लड़की सुष्मिता को पूछा गया कि उसका घर कहाँ है तो उसे कुछ नहीं मालूम था। न जाने कितने सालों से वो दरिंदों के साथ थी। उस दिन मैं उसे अपने साथ ले आया।
जब भी मैं उसे देखता तो मुझे हमेशा लगता कि अगर कोई मेरी छोटी बहन होती तो बिल्कुल उसके जैसी होती। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि उसने सलीम के लोगों को देखा है, मगर मैंने यकीन नहीं किया। काश उस दिन मैंने उसकी बात सुन ली होती। छोड़ दो उसे प्लीज। सलीम ने मेरी आंखों के सामने सुष्मिता को जिंदा जला दिया और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। कुछ दिनों बाद सलीम एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन मैं सुष्मिता के मौत के हादसे से बाहर नहीं निकल पाया। आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मैं उनकी कब्र के पास जाकर उनसे मिल लेता हूं। माफी मांगता हूं कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो यही है मेरी वो दर्द भरी कहानी। चलो चलते हैं।